हे गाइस, दिस इज़ अली मलिक एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पबजी मोबाइल से हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स और टेक्सचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ये 3 फोल्डर डाउनलोड कर लिए हैं और निंजा रिपर वाला फोल्डर जो है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने 64 वाले में जाना है और यहाँ पे से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से गेम लोग की लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने आउटपुट लोकेशन सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे आप मॉडल्स को सेव करेंगे। सेटिंग में जाके इंटरवल जो है वो 2 सेकंड कर देना और यहाँ से रन कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ से इमुलेटर की कुछ सेटिंग कर ली है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से इंजन में जाके यहाँ से इसकी जो रेजोल्यूशन है उसे मैक्स कर देना है और DPI को भी मैक्स कर देना। उसके बाद गेम में आना और यहाँ से 2K सेलेक्ट करना और ग्राफिक्स का क्वालिटी जो है उसे फुल HD कर देना। उसके बाद पबजी को ओपन करना। उसके बाद गेम में इंटर होकर सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना है और इसकी ग्राफिक्स में जाके ग्राफिक्स को फुल HD कर देना है। यहाँ पे मैंने HDR सेलेक्ट किया हुआ है, आप भी HDR सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हाई क्वालिटी टेक्सचर जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद आपने यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही मॉडल हो जो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम इसके अलावा और कोई मॉडल नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे लॉबी में बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं तो इस तरह अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी मॉडल्स को ढूंढने में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे नया एक्स सूट आया इसका मॉडल एक्सट्रैक्ट करूँगा। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद मैं निंजा रिपर को ओपन करूंगा और यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके चेक करूंगा कि मैंने जो फोर्थ वाला जो शॉर्टकट है वो क्या सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने F12 सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं F12 प्रेस करूंगा और गेम थोड़ी देर के लिए हैंग होगी और उसके बाद चल पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। उसके बाद हम आउटपुट फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से हम Neosys 1 में जाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपने अपने जो आउटपुट फोल्डर है वो सिलेक्ट करने चेक कर सकते हैं। निंजा रिपर में आपने आउटपुट फोल्डर क्या रखा था तो आप वही आउटपुट जो है Neosys में ओपन करेंगे। यहाँ पे निंजा रिपर वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि एंड्रॉयड इमुलेटर वाला फोल्डर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे 2 एंड्रॉयड इमुलेटर वाले फोल्डर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि इन दोनों में से किसके अंदर जो है मॉडल्स हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर कुछ नहीं है, मैं सेकंड वाले के अंदर चेक करूँगा। यहाँ पे एक सब फोल्डर और टेक्सचर वाला फोल्डर भी है और यहाँ पे 3D मॉडल्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने मॉडल्स का एक एक करके चेक करूँगा कि यहाँ पे जो हमने करेक्टर सेलेक्ट किया था उससे रिलेटेड कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे मॉडल मुझे नज़र आना शुरू हो गया तो मैं क्या करूँगा कि एक एक करके सब मॉडल को एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट करूँगा और आउटपुट लोकेशन सेलेक्ट करके वहाँ पे इसे सेव कर दूँगा।
ये वाला जो टेक्सचर है ये मुझे एक्सूट वाला लग रहा है, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एज यू कैन सी इसके जो यहाँ पे नेक टाइप का जो है टेक्सचर नज़र आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है उसके जो बॉडी का टेक्सचर है, तो उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला भी बॉडी का टेक्सचर है लेकिन ये ब्लैक में है, लेकिन यहाँ पे दो मॉडल थे, एक ब्लैक में और एक वाइट में, तो इसलिए यहाँ पे दो टेक्सचर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने वाइट वाला टेक्सचर एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद ये इसके जो लेग्स का टेक्सचर आ गया, तो इसे भी मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये उसके शूज का टेक्सचर, इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये हेयर का टेक्सचर, ये आ गया फेस का टेक्सचर। और यहाँ पे सारे टेक्सचर हमने एक्सपोर्ट कर लिए हैं, अब हम ब्लेंडर ओपन करेंगे और उसमें सारे फ्लूड मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और शूज़ के साथ जो है वो पेरेंट कर दूँगा ताकि मैं उनको रोटेट कर सकूँ। अब मैं टेक्सचर इसके अप्लाई करूँगा। एक एक करके मैं सारे बॉडी पार्ट्स के जो टेक्सचर हैं उनको अप्लाई करूँगा। सबसे पहले फेस टेक्सचर अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं शेडिंग वाली जो विंडो है उसे ओपन कर लूँगा ताकि मुझे टेक्सचर ढूँढने में आसानी हो। तो मैं टेक्सचर वाले फोल्डर में जाऊंगा। फिर मैं फेस वाला जो टेक्सचर है वो फेस पे अप्लाई करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसके जो हेयर वाला टेक्सचर है वो भी अप्लाई कर दूँगा मैं।
और यहाँ पे इसका जो स्पेकुलर और मेटलिक है उसको जीरो कर दूंगा। उसके बाद बॉडी टेक्सचर भी अप्लाई करके स्पेकुलर और मेटलिक जीरो कर दूंगा। इसी तरह मैं बाकी टेक्सचर भी अप्लाई कर लूंगा। इसके अलावा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से टेक्सचर को हम सही तरीके से अप्लाई करने हैं, मतलब जो दूसरे टेक्सचर हैं RGB और नॉर्मल, वो किस तरह से अप्लाई करने हैं कि आपके जो फाइनल रेंडर रिजल्ट हैं वो रियलिस्टिक हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मॉडल के जो टेक्सचर हैं वो अप्लाई कर लिए हैं। तो इसी तरह आप मॉडल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं।